तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है फ्रांस की तरफ से, और फ्रांस अचानक से भारत को अपने पाले में करने में लगा हुआ है ताकि भारत रूस का साथ छोड़ दे और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में शांति कायम हो जाए। दरअसल जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत रूस से दूर हो जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदना और व्यापार करना बंद कर दे। और अभी आप सभी को पता ही है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है, जिसके कारण से पश्चिमी देश भारत के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि G20 के बैठक के अंदर भारत जैसा बड़ा एक लोकतांत्रिक देश जो कि रशिया का साथी भी है वो रूस की यदि आलोचना कर देगा तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई में रूस को एक बड़ा झटका लग जाएगा। और फ्रांस का भी यही कहना है कि G20 में भारत जब तक रूस की आलोचना नहीं करेगा तब तक G20 के संयुक्त कॉमनिक के ऊपर फ्रांस साइन नहीं करने वाला। परंतु आज यह खबर निकल के सामने आई है जो कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट के रूप में देख सकते हो कि फ्रांस भारत के साथ साथ चीन को अपने साइड मिलाने में लगा हुआ है ताकि रूस के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म कर लिया जाए। पर यदि इस मुद्दे का आप दूसरा साइड देखोगे तो जब फ्रांस के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर गए थे तो इन्होंने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर बातचीत भी की परंतु चीन के साथ कई बिलियन डॉलर की डील भी साइन कर ली। और अभी खबर यह है कि 14 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर जा सकते हैं जहां पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक बड़ी वार्ता हो सकती है। और इसका मुद्दा यही रहेगा कि भारत रूस का साथ छोड़कर पश्चिमी देशों के साइड आ जाए और रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवाने में पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो जाए। वैसे अब आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय और इस मुद्दे के ऊपर क्या भारत को फ्रांस की बात माननी चाहिए, हाँ या फिर ना, कमेंट बॉक्स में। फिर आप जी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।